हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल एकेडमी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ITJEE मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2018 का क्वेश्चन नंबर 10 जो MCQ है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि लेट SN 1+1/1 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सीक्वेंस SN इज इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है, आपको चार ऑप्शन गिवेन है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे। देखिए, हमारे पास सीक्वेंस क्या गिवेन है, सीक्वेंस SN गिवेन है, SN इज इक्वल टू क्या है, 1+1/1 + 1/2 + up to 1/n। यही गिवेन है। और कहाँ पे बोल रहा है, द सीक्वेंस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity पे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब आप लगाओगे तो ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये e पे कन्वर्ज करेगा। अब e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x का जो हमारे पास एक्सपेंशन होता है 1+x/1 + x² / 2 + up to xn / n। यही होता है एक्सपेंशन e की पावर x का हमारे पास, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं x की वैल्यू x के स्थान पे 1 पुट कर दूं, x के स्थान पे क्या पुट कर दूं, x इक्वल टू 1 पुट कर दूं, तो क्या आएगा, e की पावर 1 इक्वल टू 1+1/1 + 1/2 + up to 1/n। ठीक है, यही आएगा। अब देखिए, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, क्लियर है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो ये देखिए ये क्या होगा, e पे कन्वर्ज करेगा, ये लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, क्या ये q पे बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग q, क्योंकि q में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, p/q फॉर्म का आता है, ये कन्वर्ज कर। और एक हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है तभी कन्वर्ज करेगी जब वो सीक्वेंस क्या हो, कॉची सीक्वेंस हो, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, यहाँ से ए हमारा इनकरेक्ट होगा और बी क्या करेक्ट होगा, समेशन सॉरी SN इक्वल टू 1 to infinity जो कॉची सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्ज इन क्यू, क्यू पे कन्वर्ज नहीं कर रही है, ठीक, कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है, ई पे कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ई जो है बिलोंग नहीं करता है क्यू में, ठीक है, और क्यू में एलिमेंट जो आते हैं p/q फॉर्म का आता है, क्यू रेशनल है, p/q टाइप के एलिमेंट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो गया, तो सी और डी क्या होंगे, इनकरेक्ट, क्योंकि क्या है, MCQ है, MCQ में ओनली वन ही ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर आपको ये आइडिया हो जाए, आप सॉल्व करने पे एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट दिख जाए, तो अदर ऑप्शन वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको अगले क्वेश्चन की ओर रन करना होता है, ठीक है। और आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको अवेलेबल है, जहाँ पे ITJEE 2018 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप सर्च करोगे तो अजय कुमार राम से, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।